नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही सैंडविच। तो दही सैंडविच बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1 किलो दही जमाई है, और उस दही को अब हम क्या करेंगे, 1 किलो दही को हम एक कंटेनर ले लेंगे, उसमें कोई कपड़ा लगा लेंगे। आप कैसा भी कपड़ा ले सकते हैं, मलमल का या कॉटन, कैसा भी। और उसमें हम क्या करेंगे, इस सारी दही को अच्छे से छान लेंगे। इस दही को हमें छानना बहुत ज़रूरी है ताकि ये थिक हो जाए बिल्कुल, और जब हम सैंडविच बनाए तो काफ़ी स्मूदी सा टेक्सचर इसमें आए। तो देखिए, हमने अगर हम सुबह सैंडविच बना रहे हैं तो हमें ये प्रोसेस रात को ही कर लेना है, और दही का सारा जो पानी है हमें निकाल लेना है इस तरह से, और अच्छे से इसको घुमाकर टाइटली बंद कर देंगे हम, ताकि ये जो पानी है सारा अच्छे से निकल जाए। तो देखिए, दही के सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया तो आपके सैंडविच बढ़िया बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, बिल्कुल ही अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप देखिए, ये हमने अच्छे से निचोड़ दिया है और इसे अच्छे से टाइटली बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कंटेनर ले लेंगे और इस कंटेनर को एक साइड रख देंगे, और इसमें जो हम सारी जो कपड़ा है वो अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे, और इसके ऊपर जो है हमें कुछ भी भारी चीज़ रख देनी है और इसे फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। अगर रात है तो पूरी रात रखा रहने दीजिए। फ्रिज में हमें इसलिए रखना है क्योंकि बाहर रखेंगे तो ये जो दही है हमारी खट्टी हो जाएगी और टाइट भी नहीं होगी, सेट नहीं होगी। तो देखिए, हमें फ्रिज में रख दिया है, और इस पानी को हम क्या है फेंकेंगे नहीं, या तो हम नमक जीरा डालकर पी जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मीठी होती है, और या फिर कढ़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे सैंडविच के लिए जो सूखी लाल चटनी, उसके लिए मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, और थोड़े से हमने यहाँ पर लिए हैं गार्लिक, वो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़े हम लेंगे इसमें रेड चिली जो कि तीखी वाली है। आप चाहे तो कश्मीरी लाल चिली भी ले सकते हैं, उससे अच्छा कलर आता है। और इन्हें हल्का सा रोस्ट होने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कोकोनट, सूखा कोकोनट लेना है हमें। उसे हल्का सा जब फ्राई हो जाए गैस को बंद कर देना है, और 1 कप हमें रायते वाली बूंदी इसमें ऐड करनी है, और जब ये अच्छे से जो हमारी ठंडी हो जाए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, जब तक हमारा पैन गर्म होगा। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे हम, और जो हम इसकी सूखी लाल चटनी बना लेंगे। ये लाल चटनी वड़ा पाव में भी इसी तरह से यूज़ होती है और बनाई जाती है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 2 से 3 महीने तक ये ख़राब नहीं होती, ये सूखी लाल चटनी। तो आप इसे बनाकर स्टोर करके भी ढेर सारी बनाकर भी रख सकते हैं। आप देखिए, हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे अच्छे से, और जो इसे हम बनाएंगे इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार। नमक आप जैसे भी जितना भी तीखा खाना पसंद करते हैं या सोल्टी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो देखिए, हमने दरदरी जो है ये चटनी बनाकर तैयार कर ली है। इस चटनी के बिना दही के सैंडविच का कोई मज़ा नहीं आता, जिस तरह है कि वड़ा पाव में हमें जब तक ये सूखी लाल चटनी ना हो नहीं आता मज़ा, उसी तरह से दही के सैंडविच में ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए, अब चटनी बन गई है, अब हम उसकी वेजेस काट लेते हैं। अब ये देखिए, खीरा हमने लिया है 1 बारीक कटा हुआ, और हम लेंगे 2 प्याज वो भी बारीक कटे हुए, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहे तो कैप्सिकम भी ले सकते हैं, कैप्सिकम या स्वीट कॉर्न या पत्ता गोभी, जो भी आप वेजेस डालना चाहे वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जिसे और भी मैं यहाँ पर केवल खीरा और प्याज ही ले रही हूँ, आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट वेजेस का इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमें ये वाइट नमक डालना है 1 चम्मच, थोड़ा सा रेड चिल्ली पेपर डालना है हमें इसमें, और थोड़ा हमें डालना है जो पिज़्ज़ा का मसाला आता है मैगी मसाला, वो हम ऐड करेंगे इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च टेस्ट के लिए, और सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी डालनी है शुगर। शुगर भी हम इसमें बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करेंगे ताकि सारा जो दही का और उसका मिक्सचर का टेक्सचर है वो सही हो जाए। अब इसे एक साइड रख देंगे, दही हमारी सेट हो चुकी है। ये देखिए, अब इसे हम चेक कर लेते हैं खोलकर कि ये कितने अच्छे से सेट हुई है, और इस जो ये है दही हमारी बिल्कुल इस तरह से थिक हो जाएगी एकदम से। देखिए, अभी बिल्कुल इसका पानी जो है ना ये बिल्कुल निकल चुका है। मैं अभी आपको इसको दिखा देती हूँ निकाल कर, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि पनीर है हम, और जब हम इसे फेटेंगे ना तो बिल्कुल मेयोनीज जैसी टेक्सचर आएगा इसमें, क्रीमी स्मूदी सा।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक साइड रख लेंगे और इसका जो इसे बिल्कुल अलग निकाल लेंगे और ये पानी जो है हमारा बचा हुआ उसी पानी में मिला देंगे जो हमने पहले बचा था। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वो मिक्सचर ले लेंगे और उसमें सारी जो दही है उसको ऐड कर लेंगे हम, और फिर हमें इसे बहुत ही अच्छे से फेट फेट कर मिलाना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी सा ना हो जाए, तभी इसका जो दही का मिक्सचर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से निकल कर आएगा और हमें ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है जब ये बनाएंगे हम। तो देखिए हमने सारी दही इसके अंदर डाल दी है, अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं जब बिल्कुल एकदम स्मूथी सा, जब तक ये नहीं हो जाता बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि हम मेयोनीज, वेजीज मेयोनीज होती हैं वो खा रहे हैं। तो आप ये एक बार ज़रूर बनाइएगा और आप चाहे तो इसे रात को बनाकर रख दीजिए, सुबह फटाफट से सैंडविचेस में भरकर आप बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बार जब आपने ये सैंडविच बना लिए ना तो बच्चे आपसे यही सैंडविच की डिमांड बार बार करने वाले हैं, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, ये हेल्दी भी बहुत रहता है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये जो वेजीज मिक्सचर है हमारा दही का वो तैयार हो चुका है, चटनी हमने बना ली है। अब हमें क्या करना है, हमें या तो आटा ब्रेड लेने हैं या मैदा ब्रेड लेने हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वो उस तरह के ब्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैं है मैदा ब्रेड यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए अब हमने ये मिक्सचर बना लिया, इसको एक साइड रख देते हैं और जो मैदा ब्रेड हम लेंगे उसमें हमें एक करना है, सबसे पहले हमें जो हमने सूखी लाल चटनी बनाई है ड्राई वो हम इस पे स्प्रेड कर लेनी है अच्छे से। तो ये जो जब हम ये चटनी लगाएंगे तो ये क्या होगा, जो ये दही का मिक्सचर होगा ना उस पर ये जो है सोगीनेस नहीं आने देगा, थोड़ा क्रंची सा टेस्ट लेके आएगा जब हम इसे सेकेंगे, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल किचकिचा सा सैंडविच बना है हमारा, अच्छा नहीं बना, लेकिन ये बहुत ही ऊपर से तो क्रंची होगा एकदम और अंदर से थोड़ा सा जूसी होगा जो कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट लेके आएगा। आप एक बार ज़रूर बनाइए, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और आप देखिए हमने जो चटनी है उसको स्प्रेड कर लिया है, अब हम इस पर मिक्सचर लगा रहे हैं अच्छे से। मिक्सचर को फैलाने के बाद हमें क्या करना है, इसमें इसे अच्छे से चारों कोनों तक फैला लेंगे हम, और अब हम इसे दूसरी ब्रेड लगाकर अच्छे से दबा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे एक पैन में सेक लेंगे अच्छे से, और पैन भी में जब हम सेकेंगे इसका तड़का तैयार करते हैं, तड़के के साथ इसे हम सेकेंगे जो कि इसमें बहुत और भी अच्छा टेस्ट लेके आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ, घी लेने के बाद हमें क्या करना है, जब घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हमें क्या करना है, इसमें जो है थोड़ी सी सरसों ऐड करनी है, हमें जो मोटी वाली सरसों आती है ना वो हमें इसमें ऐड कर देनी है। सरसों जब थोड़ी सी चटकने लग जाएगी ना तब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। तो आइए अब हम इसमें थोड़ी सरसों डाल लेते हैं, ये देखिए सरसों हमारी थोड़ी सी चटकने लग गई है, अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालें, हमें इसको ज़्यादा जलाना नहीं है इसको, अब ऐसे ही हल्का सा जब कच्चा रहेगा थोड़ा कड़ी पत्ता तब हम क्या करेंगे सैंडविच इसके ऊपर रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, जब ये एक साइड से हल्का सा सिकना शुरू हो जाएगा तब हम क्या करेंगे दूसरी साइड भी इस पर घी लगा लेंगे। घी लगाकर अब हमें क्या करना है, इस पर जो है थोड़े से जो दो तीन पत्ते हैं कड़ी पत्ते के वो भी हम इसमें लगा देंगे जो कि इस पर और भी इसके टेस्ट को बढ़ा देंगे। तो देखिए आप इसमें जो हम ये सैंडविच बना रहे हैं इस प्रोसेस में कोई भी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा वरना आपका सैंडविच अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसे पलट लेते हैं, अब हमें क्या करना है, इसे हमें इस तरह से दबा दबा के थोड़ा सा और गैस को बिल्कुल स्लो कर लेना है, और ऊपर से अब हम क्या करेंगे इसको और भी क्रंची बनाने के लिए इस पर क्या करेंगे एक प्लेट रख देंगे, स्टील की कोई भी प्लेट रख दीजिए आप, या फिर आप जो पाव भाजी मसाला में जो मैशर होता है उससे दबाइए आप, या फिर इस पर ऐसी तरह से वेट रखकर इसको आप थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए, बिल्कुल गैस को स्लो कर दीजिए। आप देखिए ये हमारा जो है सैंडविच बनकर रेडी हो गया है, प्लेट को और इसको हम हटा लेते हैं। अब मेरा सैंडविच हो गया है रेडी, मैंने दोनों साइड से लिया है इसे पका, अब मैं इसे करने जा रही हूँ सर्व और मैं इसका लेने जा रही हूँ मज़ा। आप भी बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए मैं इसकी क्रंचनेस की आवाज़ आपको सुना देती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।